टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपनी 2020 अपाचे आरटीआर 4V सीरीज को लॉन्च कर दिया और इसी सीरीज की हम अपाचे 164V को चलाने आए हैं जो कि हम टीवीएस के होजर प्लांट में मौजूद हैं। और इस बाइक में अब की बार कंपनी नई टेक्नोलॉजी, नए ग्राफिक्स और नया इंजन दे रही है। तो आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में इस बाइक में क्या अच्छाइयाँ मिलती हैं और क्या बुराई आपको नजर आती है। सबसे पहले TVS Apache RTR 164V के लुक्स की बात करें तो इसमें शार्प स्टाइलिंग वाले LED हेडलैम्प मिलते हैं जो सड़कों पर चलते हुए आपकी मौजूदगी जाहिर करते हैं। इसी वजह से इसका लुक काफ़ी नया लगता है और जब भी आप इसे देखेंगे तो आपकी आंखों को यह काफ़ी प्यारा लगेगा। हमेशा से ही TVS अपने अपाचे में हेडलैम्प्स को ज़्यादा खास बनाती हुई नज़र आती है और इसी वजह से आज तक अपाचे सीरीज़ की सभी बाइक्स फ्रंट से दिखने में ज़्यादा खास नज़र आती हैं। इसके अलावा कंपनी ने हेडलैम्प्स के पास एक अच्छी ग्रेड वाली प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया है जिसके चलते बाइक का फ्रंट एंड दिखने में और टच करने में कमज़ोर महसूस नहीं होता। पुराने मॉडल से अगर इसकी तुलना करें तो नए RTR 164V की फिट एंड फिनिश भी काफ़ी बेहतर की गई है। अब इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने नए रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स दिए हैं जिसके चलते अपाचे का लुक एक नेकेड रेसिंग बाइक की तरह उभर कर सामने आता है। डुअल टोन फिनिश भी इस पर काफ़ी अब अच्छा लग रहा है। रियर में भी इसकी टेल लाइट एक स्लीक डिज़ाइन के साथ आती है जो इस पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सीट्स की बात करें तो दिखने में यह पुराने मॉडल जैसी ही लगती है लेकिन अब पहले से ज़्यादा आरामदायक साबित होती है। कंफर्ट हमेशा से ही अपाचे सीरीज़ की एक बड़ी USP रही है और इसी को कंपनी हमेशा बरकरार भी रखना चाहती है। सीटिंग पोजीशन भी आरामदायक दी गई है और आप इसे लंबी दूरी तक बिना रुके आराम से चला सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यह दिखने में डिजिटल लगता है और तेज़ धूप में भी आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। हालांकि यहां हमें एक चीज़ ने निराश किया है और वो है कंपनी ने इसमें साइड इंडिकेटर वार्निंग नहीं दिया और ना ही इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया है। कंपनी को यहां सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। 2020 अपाचे RTR 164V पहले से ज़्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश हो गई है। इसके अलावा इसमें कंपनी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी शामिल कर रही है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो कि अभी भी इस बाइक में उनकी कमी महसूस होती है लेकिन उन सबको काउंटर करने के लिए कंपनी ने इसमें दिया है नया BS6 इंजन जिसे चलाने के दौरान आपको इसकी एक्चुअल रिफाइनमेंट का पता चलेगा। TVS Apache RTR 4V में मिलता है 160cc का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि 8250 RPM पर 16.02 PS की पावर और 7250 RPM पर 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स से लेस है। हालांकि ये इंजन अब नया है, BS6 कंप्लाइंट है जिसकी वजह से इसकी जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर हो गई है। और इसके अलावा कंपनी इसमें एक टेक्नोलॉजी और दे रही है, चलिए आइए जानते हैं इसकी राइड करके। पुराने BS4 इंजन के मुकाबले यह काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गया है और इसमें हल्का सा पावर और टॉर्क भी बढ़ा हुआ नज़र आता है। सबसे खास बात, इसे चलाने में आपको एक मज़ेदार राइडिंग का अनुभव मिलता है। हमने इसे TVS के होजूर प्लांट के 1.5 किलोमीटर ट्रैक पर करीब 20 मिनट तक चलाया जहां हम आपको यह तो नहीं बता सकते कि ट्रैफिक और गड्ढों में किस तरह चलती है लेकिन इसके रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे हम काफ़ी खुश हुए हैं। 100 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार पर भी यह किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं करती, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बनाए रखती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स और एग्जॉस्ट नोट सेगमेंट में सबसे बेहतर साबित होते हैं। कुल मिलाकर इसकी राइडिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर और स्पोर्टी नज़र आती है। TVS ने अपने अपाचे 164V को ट्रैफिक में और आसान राइड करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी भी शामिल की है जिसका नाम है GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप ट्रैफिक में बिना एक्सीलेटर दें अपनी बाइक 6 से 7 किलोमीटर/घंटे तक की रफ्तार पर चला सकते हैं। कंपनी ने यह टेक्नोलॉजी उन लोगों को खास ध्यान में रखते हुए दी है जो लोग रोज़ाना इस बाइक को इस्तेमाल करना चाहते हैं और दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में ट्रैफिक को आसानी से पार करना चाहते हैं।
सबसे खास बात इस टेक्नोलॉजी की यह है कि अगर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो भी यह आसानी से चल सकती है। भारतीय बाजार में अपाचे आरटीआर 164V के ड्रम वेरिएंट की कीमत है 99,950 रुपए, वहीं इसके डिस्क वेरिएंट की कीमत है 1,03,000 रुपए। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो कि भारतीय बाजार में एक लेटेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स BS6 बाइक की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि एंट्री लेवल BS6 बाइक की तलाश कर रहे हैं।